नमस्कार, सिटी अपडेट लाइव न्यूज में आपको स्वागत है। मैं हूं अमरीश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही शिवपुरी से, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ ने रखी मीटिंग। जिला इकाई शिवपुरी संभाग मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र। पुलिस पेंशनर संघ की मुख्य मांग है कि मेडिकल सुविधाएं मुक्त दी जाए एवं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की धारा 496 को समाप्त किया जाए। छत्तीसगढ़ में पुलिस पेंशनर को मिल रही सुविधाओं को समान दिया जाए और एरियर भत्ता जो रुका हुआ है उसको दिया जाए। मध्य प्रदेश पुलिस पेंशन संघ का कहना है कि राज्य शासन द्वारा यह अनदेखी की जा रही है, जिस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए और सारी सुविधाएं समान तरीके से दिए जाएं। ये पुलिस पेंशन संघ शिवपुरी की मीटिंग ली गई है और इसमें मुख्य मांगें रखी गई हैं कि लगातार पेंशनर्स के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उनमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। इसलिए आज हम सब पत्र श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार के लिए पत्र लिख रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की जो धारा 46(6) है 49(6) सॉरी, इसमें इसको ख़त्म किया जाए। दूसरे, पेंशनर के लिए चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। तीसरे, जो पेंशनर का अभी तक का वो एरिया भत्ता रुका हुआ है उसको दिया जाए, उसकी अनदेखी ना की जाए। पुलिस विभाग के जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री और स्टाफ है उसकी भी तमाम मांगें चल रही हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है शासन द्वारा, जिनको छत्तीसगढ़ के समान ही किया जाए। आपने जो पत्र लिखा है किसको लिखा है? हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, जिससे कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को सचेत करें कि वो पेंशनरों के ऊपर ध्यान दें। ऐसी ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले खबरों से अपडेट रहे। धन्यवाद।